हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वर्तिका गोयल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी अगर आपको पता चल जाए कि किस तरीके से करनी है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 10-10 घंटे पढ़ाई करो। आप सिर्फ कम टाइम यानी कि 2 घंटे भी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आप 100% मार्क्स ले आओगे, आई एम गारंटी फॉर यू। तो बेसिकली क्या होता है कि आप अलग अलग तरीक़ों से अपनी पढ़ाइयाँ करते हैं। वो स्टूडेंट जो है NCERT की बुक में से पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक्स में से पढ़ते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोग जो है कोचिंग के लिए भी जाते हैं, वहाँ पर भी आप लोग पढ़ाई करते हैं अपनी ट्यूशंस में, कोचिंग्स में। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोग जब स्कूल जाते हैं तो आपकी अपनी स्कूल टीचर से भी पढ़ते हैं। कंसेप्ट जो है आपके स्कूल टीचर भी आपको अलग अलग तरीके से समझाती हैं। और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि यूट्यूब के थ्रू भी पढ़ते हैं, उनका फेवरेट यूट्यूबर होता है, वहां से आप लोग कोई भी एक चैप्टर या फिर कोई भी कंसेप्ट, जो भी चीज़ें होता है, आप समझने की कोशिश करते हैं। तो कंसेप्ट तो आपने पढ़ लिए, टेक्स्ट बुक्स में से पढ़ लिए, स्कूल के टीचर से पढ़ लिए, ट्यूशन टीचर से पढ़ लिए, ऑनलाइन पढ़ लिए, लेकिन ये कंसेप्ट आपको समझ में तभी आएंगे जब आप उसकी सेल्फ स्टडी करोगे, खुद से पढ़ोगे। तो आपको ये खुद से जो है सेल्फ स्टडी आखिर करनी कैसे है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली क्या होता है कि आपके पास 3 या 4-5 सब्जेक्ट्स होते हैं 10th क्लास में, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, SST, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 12th क्लास की बात करूँ, उसमें भी 4 से 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस इंग्लिश होती है या मैथ्स होता है स्टूडेंट्स के पास। तो यहाँ पर जो ये 4-5 सब्जेक्ट हैं, इनको आपको क्या करते हैं स्टूडेंट की ये सोच लेते हैं कि मेरे को एक हफ्ते में एक दिन मैथ्स पढ़ना है, एक दिन साइंस पढ़ना है, एक दिन इंग्लिश पढ़नी है। तो फ्रेंड, अगर आप ऐसे पढ़ेंगे ना, तो आपका कभी भी सिलेबस जो है पूरा नहीं होगा, कभी भी सिलेबस पूरा नहीं होगा टाइम पर। तो आपको ये वाली प्रैक्टिस तो आपको छोड़नी है। आपको क्या करना है, चाहे आप कम पढ़ें, लेकिन आपको रोज दो या तीन सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़े जा सकते, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे एक दिन में 2 या 3 से सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको कॉम्बिनेशंस बिठाने हैं बेसिकली अपने अपने सब्जेक्ट्स के, कि आप कौन सा सब्जेक्ट्स ले रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आप बताऊं, साइंस और मैथ्स दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको रिटन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। साइंस में फिजिक्स होता है या केमिस्ट्री होता है, उसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं। इसी तरह से मैथ्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि आप सॉल्व कर करके उसकी प्रैक्टिस करते हैं, थ्योरम्स होते हैं। तो आपको साइंस और मैथ्स दोनों को एक दिन में बिल्कुल भी नहीं लेना। एक दिन में आप साइंस और मैथ्स करेंगे तो आप बिल्कुल थक जाओगे और आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप जिस दिन साइंस पढ़ रहे हैं ना, उस दिन आप इंग्लिश का चैप्टर उठा सकते हैं, कोई सा भी है, क्योंकि उसमें क्या करना है, आपको सिर्फ रीडिंग करनी है। आप सिर्फ रीड करके ना उस चैप्टर को समझ सकते हैं और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, और आपका एक चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से साइंस के साथ आप एक दिन अगर आपने इंग्लिश ले लिया, तो आप नेक्स्ट डे SST ले लीजिए, SST का कोई भी एक चैप्टर ले लीजिए, क्योंकि SST भी एक थ्योरिटिकल सब्जेक्ट है। उसमें भी आपको रिटन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट हिस्ट्री है जैसे कि आपको सिर्फ उसको रीड करना है एक स्टोरी की तरह, तो आप उसको एक चैप्टर आप उसको खत्म कर सकते हैं एक दिन में। तो यहाँ पे आप क्या करिए, मैथ्स के साथ जब भी आप मैथ्स उठाएं, तो मैथ्स के साथ आप इंग्लिश का सब्जेक्ट लें या फिर SST का सब्जेक्ट लें। तो इससे क्या होगा ना फ्रेंड, आप एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट कर पाएंगे और आपको ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करने में आसानी होगी। 12th क्लास की मैं बात करती हूँ, आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों को एक साथ बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में न्यूमेरिकल्स होते हैं, दोनों को रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप बायोलॉजी के साथ इसका कॉम्बिनेशन उठाइए, एक दिन बायोलॉजी के साथ आप केमिस्ट्री लीजिए, एक दिन बायोलॉजी के साथ आप जो है मैथ्स लीजिए। तो इस तरह से आपका जो सिलेबस है वो जल्दी फिनिश होगा और टाइम पर फिनिश होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड का छोड़ना है कि आपका फ्रेंड नोट्स बना रहा है या मैं उसके नोट्स को कॉपी कर लूँ। हो सकता है आपके फ्रेंड के लिए जो चीज़ टफ है वो आपके लिए आसान हो, या फिर आपके लिए जो चीज़ टफ है वो उसके लिए आसान हो, ठीक है। तो आपको अपनी जो जब आप पढ़ रहे हैं टेक्स्ट बुक्स या फिर कहीं से भी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि जो चीज़ें आपको टफ लग रही हैं ना, उसको आपको लिखना है अपनी लैंग्वेज में, दूसरे की लैंग्वेज में नहीं, क्योंकि दूसरा बच्चा कैसा लिख रहा है वो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, दूसरे के हैंड रिटन नोट्स आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। आप अपनी खुद की हैंड रिटन प्रैक्टिस करनी शुरू कर दीजिए, जो भी आपने आपके टीचर से पढ़ा है या यूट्यूब से पढ़ा है या फिर टेक्स्ट बुक से पढ़ा है, तो जितना भी आपको समझ में आ रहा है ना, उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए और अपनी कॉपी में लिखते चलिए। जिससे क्या होगा कि आपको वो जो कंसेप्ट है, जो भी आपने पढ़ा है, कहीं से भी आपने पढ़ा है, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा जब आप उसको लिखोगे। तो हैंड रिटन नोट्स ना इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको रिटन प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके नोट्स भी बनते चले जाएंगे। बहुत बार आपने सुना है कि आप 6-6 घंटे पढ़िए, 8-8 घंटे पढ़िए। सो फ्रेंड, ये तो फ्रेंकली स्पीकिंग ये सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है कि 6 घंटे 8 घंटे बैठ के पढ़ाई कोई बच्चा नहीं कर सकता। आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है छोटे छोटे टाइम यूनिट्स में। आपको 40 से 60 मिनट देना है, 1 घंटा पढ़ना है, आधा घंटा पढ़ना है, जितना भी आपका मन करे। लेकिन आपको क्या करना है, एक टॉपिक उठाना है कि मैं इस टॉपिक को फिनिश करके ही उठूँ।
लूंगा। तो बेसिकली आपने एक टॉपिक लिया, आपने उसको आधा घंटे में खत्म कर लिया, उसके बाद आप रेस्ट ले लीजिए। उस रेस्ट में आप जो मन करे आप पानी पीजिए, आप स्नैक्स खाइए, आप अपना ब्रदर्स के साथ या अपने फोन पे टाइम स्पेंड कीजिए या किसी से चिटचैट कीजिए, बातें करिए। तो इस तरह से क्या होगा ना, रेगुलर सिटिंग अगर आप करेंगे 6 से 8 घंटे की, तो आप बोर हो जाएंगे और आप बिल्कुल थक जाएंगे। तो बीच बीच में आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। कंसेप्ट वाइज आप ब्रेक लीजिए, एक कंसेप्ट आपने खत्म कर लिया 15 मिनट में या फिर 20 मिनट में, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और आप फिर दोबारा स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई अपनी करनी। तो इससे क्या होगा, आपका कोर्स भी फिनिश होगा, आपके नोट्स भी साथ में बनते चलेंगे, इसके साथ साथ आप अपना बीच बीच में आप एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, रिलैक्स टाइम भी आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप रेगुलर पढ़ते जा रहे हैं, तो ये भी चीज़ नहीं हो रही। और इससे क्या होगा कि आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अब देखेंगे कि आपने एक दिन में ही आपने एक चैप्टर फिनिश कर लिया है इंग्लिश का, उसके साथ साथ आपने साइंस का कंसेप्ट भी फिनिश कर लिया है, एक एक्सरसाइज मैथ की फिनिश कर ली है, या फिर उसके साथ साथ आपने SST का प्रिपरेशन भी कर ली है। तो आपको इसी तरीके से नेक्स्ट डे भी यही करना है, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी है ना तो सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर ये टिप आपको अच्छी लगी हो। तो फॉलो अगर आप कर रहे हो इस टिप को, तो प्लीज कमेंट करके मुझे अपना नाम और अपनी क्लास जरूर बताएं, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे, आपको अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, टिल देन बाय।